हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर हम सेकेंड पार्ट सीखेंगे कि लॉन्ग डिविजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ये जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और धीरे धीरे आपको पहचान भी हो जाएगी कि कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन साइन के अंडर लिख लेते हैं। अब इसके अंदर, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम नंबर के पेयर बनाते हैं। तो स्टेप वन में हमारा पेयर बनाने का प्रोसेस होता है, और वो पेयर बनाना कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट सिस्टम इज फ्रॉम द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है। तो ये पहला पेयर होता है, ये सेकंड पेयर होता है। पेयर में दो डिजिट्स ही आएंगे, और क्योंकि ये फोर डिजिट नंबर है तो आपके दो पेयर बन जाएंगे। पेयर बनाने के बाद स्टेप टू में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डिवाइजर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड तो है लेकिन डिवाइजर नहीं पता। डिवाइजर लिखा जाएगा यहाँ पे, जो नंबर यहाँ आएगा वही कोशेंट में आएगा, और उनके प्रोडक्ट से हम आगे डिवीजन कर पाएंगे। अब आप देखिए कि जो पहला पेयर है उसमें नंबर है 44 और डिवाइजर सोचना है। तो डिवाइजर एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 44 से कम हो। कम तो बहुत सारों का होगा, जस्ट कम हो, मतलब उससे ऊपर कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, 5 स्क्वायर देखेंगे तो 25 हो गया, 6 स्क्वायर देखेंगे 36 हो गया, 7 स्क्वायर देखेंगे 49, एक्सीड कर गया। तो इससे पहला वाला नंबर, तो हमें अपना डिवीजन इससे नंबर से शुरू करना है। 6 इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट डिवाइजर, तो 6 ही यहां लिखूंगी, 6 ही कोशेंट में लिखूंगी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6, 36 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नंबर इन द डिविडेंड। अब क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस करते हैं। 44 और 36 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 8 बचता है रिमाइंडर। अब हमें आगे डिवीजन करना है। ये मेथड लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा सा अलग है। वो इसीलिए अलग है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में हम 1 by 1 डिजिट्स को नीचे उतारते हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयर में डिजिट्स को नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पे मुझे 89 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो मैं न्यू डिविडेंड स्टेप 3 में मेरा एक न्यू डिविडेंड आ गया। नया डिविडेंड आया है तो नया डिवाइजर भी आएगा। तो स्टेप 4 मेरा क्या हुआ, मेरे को चाहिए न्यू डिवाइजर। अब मुझे एक नया डिवाइजर चाहिए। नया डिवाइजर इज ऑलवेज डबल ऑफ द कोशेंट। जो आपके पास कोशेंट है उसका डबल कर दीजिए। कोशेंट में नंबर 6 है तो डिवाइज आपका जो डिवाइजर है वो 12 नहीं हुआ, अभी आगे एक और नंबर लगाना है, बट उसका टेंस और हंड्रेड प्लेस में डिजिट आ गया 12। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जो 12 के आगे लगाना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, वही नंबर कोशेंट में आएगा। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, आप सोचेंगे कि 12 के अप्रोक्सीमेट टेबल हम 88 में देख लेते हैं तो उससे हमें उसके नजदीक का नंबर पता चल जाता है। ये भी एक मैजिकल सी बात है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है।
तो आपको सारे नंबर नहीं चेक करने पड़ेंगे कि 12 वन टू वन इंटू वन, वन टू टू इंटू टू, वन टू थ्री इंटू थ्री, वन टू फोर इंटू फोर, इतना सारा नहीं चेक करना पड़ेगा अगर आप अप्रोक्सीमेट रीडिंग करते हैं। तो 12 को अगर हम 88 के अंदर पढ़ें तो 12 का कौन सा मल्टीपल 88 के नजदीक पहुंचेगा? जैसे 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72, 12 एट जा 84। तो हो सकता है कि 7 या 8 में से हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 5 हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट रीडिंग। ये स्टेप जरूरी नहीं होते लिखने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए लिखे जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं 128 ले लेती हूं तो 8 8 64 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो किसी भी हाल में सेम नहीं आ सकती। तो इसको आगे निकाल के ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे। छोटा इसलिए लेंगे क्योंकि 12 9 88 को पहले ही एक्सीड कर रहा है, तो वो उसके अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन में भी ज्यादा है। तो उससे छोटा नंबर लीजिए, हमेशा छोटे की तरफ जाइए तो बेटर रहेगा। तो 127 इंटू 7 अगर हम देखें तो 7 7 49, ये देखिए डिजिट मैच कर रहा है। फिर देखें हम 7 2 14, ये 18 फिर से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। 127 इंटू 7 ही हमारा वो नंबर है जो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये नंबर निकालते हैं जो कि इस लॉन्ग डिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये 127 इंटू 7 करा जिसका प्रोडक्ट 889 आया और कोशेंट में भी यही नंबर गया, और जब हमने इसको माइनस किया तो 0 आंसर आया। अब आप देखिए, अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड है, ये भी चीज ध्यान देने वाली है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर द रूट 4489 इज 67। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, और ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके सारे पार्ट्स में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही दिए हुए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करना सिखाऊंगी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com फॉर फ्री स्टडी मटीरियल लाइक सैम्पल पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट, ऑनलाइन टेस्ट and concept notes made by the teachers of leading schools in India.